आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी में एक महत्वपूर्ण सीरीज की आगाज करते हुए आगे पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान सिलेबस में। सिलेबस के आधार पर हम लोग प्रत्येक रात 9:30 इलेनी भी दुर्गेश की फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव निःशुल्क क्लास पढ़ेंगे, जहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको सरकारी शिक्षक बनाने में अपनी पूरी भूमिका, ताकि इस देश हित में राष्ट्रहित में मैं सेवा भाव के द्वारा आप सभी को सहायक अध्यापक बनने तक का सपना साकार करा सकूं। उसी के तहत ये क्लास आपके लिए प्रारंभ हो चुकी है। कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यहाँ से 10 नंबर आएंगे, जिसमें 3 विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, जहाँ पे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों को सिलेबस को पूरा हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में पूरे के पूरे 10 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज क्लास आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होने जा रही है। ऐसी क्लास यूट्यूब पर पढ़ा होगा और ये निःशुल्क की अब की बार सहायक अध्यापक आपके द्वार। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ्यक्रम में सिलेबस में है प्रकाश, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले जो परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जैसे इस वीडियो में जुड़े पहला काम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि प्रकाश के एक माध्यम से, जी हाँ एकदम आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है कि प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम पर गुजरने पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, जी हाँ अपवर्तन कहा जाता है। देखिए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जो माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ जो होते उसे विकलित होती है, उसी घटना को हम प्रकाश अपवर्तन है। मतलब जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम से पृष्ठ से जो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाने दूर हटती है, इसी को प्रकाश के अपवर्तन कारण विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक प्रस्थ तरंग है। यह आपके यहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके पिछले शिक्षक भर्ती में आ चुका है, इसलिए यह क्लास आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होगी 9:30। हाँ मैं प्रयास करूंगा थोड़ा धीरे धीरे, तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी घटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देते रहेंगे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी सभी कमेंट जरूर करें। देखिए कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण। जी हाँ बहुत सारे लोगों ने एकदम इसका जवाब सही दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि एक अनुप्रस्थ है। वास्तव में प्रकाश के व्यक्तिगत व्यक्तिकरण तथा घटना से ये जानकारी मिली है कि प्रकाश की तरंग करता है वेव मोशन, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका ये किस प्रकार की अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ है, लेकिन घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतः सिद्ध होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, ऐसा आपके शिक्षक परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन भविष्य में ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए। 10 नंबर के ऐतिहासिक सीरीज है जो प्रतिदिन रात 9:30 निःशुल्क आपके इलेनी दुर्गी है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी साथी जुड़े रहेंगे वीडियो के अंत तक, बने रहेंगे, वीडियो बड़ा होगा लेकिन सिलेक्शन दिला कर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश बोल्टी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में प्रकाश बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण करने से किसका उत्पाद होता है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी एकदम हलवा प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट जब भी जवाब दीजिएगा, गलत है सही सबको जवाब देना चाहिए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, बी विद्युत ऊर्जा, ये राइट आंसर है। कैसे, बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से कौन सी मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा,
जी हाँ मेरे प्यारे देश के अध्यापक अध्यापिकाओं, ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहिएगा। इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग से अधिक विचलन दर्शाता है। आपके शिक्षक भर्ती में से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है और ये संस्था जौनपुर जनपद से निःशुल्क लाइव आपके लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिए, गड़बड़ है यार। ठीक है, अभी फटाफट कमेंट करके देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। भैया सरकारी शिक्षक बनना है, मेहनत करना होगा, जवाब देना होगा। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक पहुंचाइए। राष्ट्रहित में निःशुल्क शिक्षा आपके लिए है। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे अगले शिक्षक भर्ती में उनका पद जल्दी मिले, जरूर से मिले। और लाइक करने वाले जिंदगी भर यही सही करते रह जाए जैसे आज कर रहे हैं। बहुत सही जवाब दिया कुछ लोगों ने, बैगनी प्रश्न का राइट आंसर है, बैगनी प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा बैगनी, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाया जाएगा। चेक कर लीजिए, चेक गड़बड़ है, सबसे अधिक दर्शाया, क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में रंग में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक, ये आप लोग जानते रहिएगा क्योंकि यहां से प्रायः लोग गलती करते हैं, इसलिए यह परीक्षा में अगर आपके प्रश्न हुबहू आएगा तो गलती मत करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित को वापस करके दूसरा लेना होगा दीवार से देख क्या बताइए फटाफट कमेंट करके, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए। देखिए सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में आपके शिक्षक भर्ती उसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं, प्रकाश से टॉपिक है उस प्रकाश से वही प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये प्रश्न का ए उत्तर होगा कि पदार्थ की चमक पर, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बस आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ईश्वर करे अगले शिक्षक भर्ती में आप भी अपना दानोमादार प्रस्तुत करिए, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा, ये निःशुल्क क्लास का लाभ प्रत्येक शिक्षकों को मिलेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर, आपने पढ़ा होगा अक्षरों को उभरना समतल कांच की पट्टी पर निर्भर करता है, डी इक्वल टू टी बाई वन माइनस यू। ठीक है, अपवर्तनांक काम का तो नहीं है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल, क्या होगा लाल होगा, क्या होगा लाल। देखिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह लाल रंग के लिए सबसे कम, इसलिए लाल रंग सबसे कम उभरा और बैगनी रंग सबसे अधिक। देखिए बैगनी सबसे अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक, ठीक, लाल सबसे कम, सबसे कम। अगर यहां पे सबसे कम पूछता तो लाल, अगर अधिक पूछता तो बैगनी। दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी पूरी तैयार हो जा रही है। अगर आप लोग इसका बड़ी थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी, शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्शन वाली क्लास है आपके लिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, बैगनी में अधिक होगा। दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में अधिक पूछ दे, यहां पे कम है तो गलती मत करिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आ गया है, चाक्षुष प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। चाक्षुष मतलब क्या होता है, छुमायक होता है, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं अगर अंग्रेजी में इसको अगर जानना होगा तो विजुअल होता है ये, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट प्राथमिक रंग कौन सा होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं शेयर करिए यार, आप लोग बताइए, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। कर भला को भला निःशुल्क शिक्षा है, राष्ट्र हित में है, देश हित में है। ये लाल हरा नीला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लाल हरा नीला मतलब लाल हरा नीला जो हम देखते हैं प्रकृति में हमारे रंग मिलता है, लाल हरा और नीला एकदम राइट आंसर है, एकदम सही जवाब है। तो जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रहिएगा, हम आपको सिलेक्शन तक लेकर चलेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन रंग प्राप्त होता है? यह भी शिक्षक भर्ती के है, आपके पाठ्यक्रम में है। सभी लोग पढ़ाइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। जो लोग यार आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें से पैसा नहीं कटेगा आपका, बस ये होगा कि वीडियो बाद में देखेगा लगेगा ठीक ठाक दुर्गेश सर ने पढ़ाया है। आपको खुद आप एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको इतना समझना चाहिए, स्वयं वीडियो को लाइक देना चाहिए, स्वयं शेयर कर देना चाहिए, लोगों तक पहुंचा देना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। देखिए यहां पर सियान होगा, सियान क्या होगा, सियान क्या होता है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान प्राप्त होता है, इसे हम एक्वा रंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्वा रंग कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता एक्वा रंग को ही हम क्या कहते हैं, सियान कहते हैं। ठीक, एक्वा रंग, इसलिए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प वो एस का राइट आंसर होगा, एस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। चलिए, ल्यूमिनिक एकक है, ल्यूमेन एकक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए ल्यूमेन एकक है। जी हाँ सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सभी क्लास के लिंक नोट सब लोग टेलीग्राम पे मिलेगी निःशुल्क। और शिक्षक भर्ती की जो मैराथन क्लास चल रही है, प्रतिदिन 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में, सिलेक्शन वाली क्लास है, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ल्यूमेन एकक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए ल्यूमेन एकक क्या है। देखिए ल्यूमिनेन एकक क्या है, ये ज्योति फ्लक्स का है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे, ल्यूमिनेन ज्योति, ल्यूमिनेन फ्लक्स, ये इसका एसआई मात्रक है। ल्यूमिनेन का अगर एसआई मात्रक देखा जाए तो क्या है, ज्योति फ्लक्स है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग जो नहीं आ रहा है उसके लिए भी गलत सही जवाब दीजिएगा, प्रश्न नहीं छोड़ना है आप लोग को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग की संख्या काफी अच्छी है, बस इस दुख इस बात का है कि आप लोग जितने लोग लाइव हैं वे लोग वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक। देखिए श्वेत प्रकाश की अगर हम बात करें, तो श्वेत प्रकाश की अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितने कलर में होते हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे होगा लाल, हरा, पीला, नीला, लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी और बैंगनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल, अच्छा आसमानी है, आसमानी। इस प्रकार 7 कलर होते हैं, जितने लोगों ने 7 बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। देखिए श्वेत प्रकाश में 7 रंग, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 7 होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न के लिए, हपी नाला बैजानी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, परमाणु घड़ी में निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है, एकदम हलुआ प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके जीवन के लिए ऐतिहासिक क्लास होगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस पेपर के आधार पर ये प्रश्न बैंक है। क्लास खत्म होने के 24 घंटे के बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जुड़ जाएंगे, यहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा, सीजीएम राइट होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, डी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है कि परमाणु घड़ी सीजीएम
ट्रांजिशन पर आधारित होती है? इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हम आगे बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह लेंस जो किरणों एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं? ये आपके सिलेबस में है, लेंस है, प्रकाश है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देते हैं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। फ्री क्लास मेरी, बाकी लोग बीवी बच्चे परिवार हैं, उनके माँ बाप हैं, तो वो लोग अपना चला रहे हैं, लेकिन मेरी क्लास पूरी तरह से आपको निःशुल्क लर्निंग विद दुर्गेश पर रात्रि में 6 से 11 बजे तक मिलती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सही जवाब दिया आप लोगों ने, अभिसारी होगा। देखिए अभिसारी लेंस किरणों को सिकोड़ता है, ये क्या करता है, ये किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। शायद आप लोग को पता होगा, सिकोड़ने का काम करता है अर्थात एकत्रित करता है, क्या करता है, ये एकत्रित करता है। और जबकि अपसारी लेंस जो होता है, जो ये अपसारी लेंस होता है, ये प्रकाश को फैलाता है, ये क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है। उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, दोनों प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं कि कौन किरणों को सिकोड़ता है और कौन किरणों को फैलाता है। आप सभी लोगों ने ध्यान दे दिया, ठीक है, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सिकोड़ने का काम अभिसारी करता है और अपसारी किरणों को फैलाने काम और एकत्रित करने का काम का है। इसलिए इसका जो सबसे सही विकल्प होगा वो ए होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और आप लोग इसे ही अपना साथ बनाए रहिएगा। आप लोग सरकारी शिक्षक बनने की राह पर एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। रियो गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अवतल लेंस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जो भी मेरे प्यारे शिक्षक साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। सभी साथी देखिए, अगर अवतल लेंस की बात की जाए, जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अवतल लेंस आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो जरा बताइए कमेंट करके अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए आप लोग जल्दी कमेंट किया करिए, गलत या सही प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न का जवाब देते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। आभासी और सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, जी हाँ, क्योंकि आपने देखा है कि इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा अगर अवतल लेंस की बात करें तो हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, यह आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से रट लीजिए, इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका पूरा पाठ्यक्रम है और उसी पाठ्यक्रम के एमसीक्यू के आधार पर हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार बनाते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने प्रश्न पूछा था, सेम वही प्रश्न है, तो यहां पर यह पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, लेंस की वक्र के अनुरूप नहीं, आभासी बनाता है, जस्ट ऊपर मैंने बताया आभासी बनाता है, ठीक, वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से बनाता है और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सीधा किस लेंस में बनता है, तो वो अवतल लेंस में है, ये आपके सिलेबस में शिक्षक भर्ती परीक्षा में, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कोई कोई कमेंट कर रहा है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जिनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा अवतल लेंस का, ठीक। हाँ आप लोग तो लाइव चल रहे हैं, गूगल कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो।
अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा, किसी वस्तु का आवर्धित आभामी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर जवाब देंगे, ठीक है। एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगेंगे यार, राष्ट्रहित में कर भला तो हो भला। जी हाँ, ये क्लास जौनपुर की ई लर्निंग विद्यार्थियों निःशुल्क लाइव आपके लिए चलती है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा, जी हाँ, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगर मैं कि जिस पे दाढ़ी बनाने वाला जो ना इस्तेमाल करता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो कौन सा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किसमें। ठीक, अभी आराम से पढ़ते रहिएगा। अच्छा, आराम से आप लोग पढ़ते रहिएगा, अंत तक पढ़ते रहिएगा, और बाद में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद, क्लास आज की बड़ी होगी क्योंकि सभी को सिलेक्शन लेना है, सभी को, और सिलेक्शन लेना है तो क्लास के अंत तक बने रहना है। आगे प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य एक अतिपक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? ये प्रश्न की भाषा है जो परीक्षा में आपको तोड़ मरोड़ सकती है। तो सभी लोगों से बार बार है कि आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें। दृश्य एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अति व्यापक क्षेत्र में ऊपर मैंने सिखाया है, हमने ऊपर पढ़ाया था, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आप लोगों को मिलेगा कि अति व्यापक क्षेत्र में, तो जब अति व्यापक कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटर गाड़ी में होता है। कहां पे होता है? मोटर गाड़ियों में होता है, मोटर गाड़ियों में इसका प्रयोग होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे, ठीक है, अगर पहले पूछ दे तो मोटर गाड़ियों में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा उसके सामने रखी जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है और ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क आपके लिए चलती है। रात 9:30 बजे शिक्षक भर्ती की स्पेशल बैच आपके लिए चल रही है जिसका उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बिना स्पेस के। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके सामने। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अभी ऊपर हमने बताया उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा, ठीक। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करें, जो लोग वीडियो को देखिए, अभी तक जितने लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया, विद्या माई कसम वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और विद्या माई करें कि आप लोग अगली शिक्षक भर्ती में आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए और आपको अगली शिक्षक भर्ती में एक सीट जरूर मिले। जो भी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ रहे हैं, ईश्वर उन्हें अगले शिक्षक भर्ती में एक पद उनका जरूर निश्चित कर दे। उत्तल दर्पण का प्रयोग प्रायः कहां किया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है। अभी ऊपर मैंने बताया गैस चूल्हे में नहीं होगा, नेत्र अंतर्दर्शी में, अग्रदीप का प्रतिपेक्ष में, बताइए।
सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा, ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहां पर पक्षदर्शी होगा, पक्षदर्शी दर्पण का मतलब क्या होगा? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा सीधा आभासी होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वस्तु छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। देखिए देखिए मैं दोनों लिख दे रहा हूं, अवतल और उत्तल। इन दोनों दर्पणों में क्या बैठता है? अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अगर हम अवतल लेंस की बात करें, इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु छोटा बनता है। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो कैसा बनता है? वस्तु से छोटा सीधा आभासी होता है, ठीक है, क्या होता है? आभासी होता है। और क्षेत्र अधिक होता है, क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिस कारण गाड़ियों के पीछे, गाड़ियों के, मैंने ऊपर बताया था, गाड़ियों के पीछे के दर्पण, जो गाड़ियों के पीछे दर्पण है, इनका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा, जो सड़क पर लगे लैंप होते हैं, सड़कों पर लैंप होते हैं, जो सड़कों पे लैंप होते हैं, जो सड़कों पर लैंप होते हैं, उनमें भी हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका भी प्रकाश अधिक क्षेत्रों तक फैलता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट बताएं। ये क्लास आप सभी को शिक्षक भर्ती स्पेशल लाइव चल रही है, जिसका उद्देश्य है आपको सिलेक्शन के नजदीक ले चलना और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाना, ताकि आपको पाठ्यक्रम से बाहर कहीं ना पढ़ना पड़े, ठीक है। इसके बाहर आपको कहीं नहीं पढ़ना है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? यह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। यह होता है आवर्धन लेंस, कहते हैं किसे कहते हैं? अल्प फोकस, अल्प फोकस उत्तल लेंस को, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धन लेंस कहते हैं। यह उत्तल आभासी लेंस होता है, आवर्धन लेंस के रूप में काम करता है, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प सी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के साथ साथ अपने जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने जवाब दिया, हो सकता है गलत हो, क्योंकि परीक्षा हाल में यहाँ से गलती नहीं करना है। डेली आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, क्लास खत्म होने के 24 घंटे के बाद क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उत्तर आपको यहां से मिलेगा, प्रश्न में उत्तर आपको नहीं मिलेगा, और आपको अंत तक सिलेक्शन लेना है। आपका माता पिता का आशीर्वाद आप पे रहा और आपका मेहनत रहा, यकीनन अगले शिक्षक भर्ती में आपको एक पद जरूर मिलेगा। सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नियान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सड़क पर रोशनी के लिए उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों में, ये लैंप कैसे होते हैं? सोडियम लैंप कहते हैं। सोडियम लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन से गैस का? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उत्तम विकल्प जो है वो 20 का राइट आंसर है, 20 का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रहेंगे, यकीनन हम सब आने वाले शिक्षक भर्तियों में इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं, क्योंकि हम हर उस प्रश्न को पढ़ा देंगे जो परीक्षा में आपकी हूबहू या प्रत्यक्ष रूप से आएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो पूछे जाए। प्रकृति में सबसे ज्यादा सशक्त बल कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है बताइए?
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जो लोग वीडियो को लाइव देखे सबसे सशक्त बल कौन सा है। देखिए चार प्रकार के बल होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बल की बात करें तो बल चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका विद्युत बल, दूसरा आपका क्या है, दूसरा कौन सा बल है, नाभिकी, नाभिकी बल। तीसरा कौन सा है? दुर्बल नाभिकी। देखिए एक नाभिकी दो होगा, नाभिकी में भी क्या होगा, एक सशक्त होगा, क्या हो जाएगा, सशक्त होगा, और फिर एक नाभिकी होगा दुर्बल। दूसरा होता है गुरुत्वीय बल, अगला मतलब गुरुत्वीय बल। सशक्त नाभिकी बल चारों बलों में सबसे अधिक सशक्त है, जबकि गुरुत्वीय बल सबसे कम दुर्बल बल है। गुरुत्वीय बल जो है ये सबसे कम दुर्बल है, ये सबसे कम दुर्बल है, और सबसे सशक्त है नाभिकी बल। कौन सा होगा? नाभिक। गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है, सबसे सशक्त जो है वो नाभिकी बल है। कौन सा होगा? वो नाभिकी बल होगा। इसलिए यहां पर बहुत सारे लोगों ने किया है, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको ध्यान दीजिए, परीक्षा में गलती ना हो, ठीक है? यहां पे गलती करिएगा, गुरुत्वीय बल सबसे कम दुर्बल है, सबसे कम दुर्बल गुरुत्वीय, सबसे ज्यादा नाभिकी बल है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों है, और प्रकृति में चार बलों को परिभाषित किया गया है। हम आ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सुपर टेट में आया था, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के सिलेबस में प्रकाश टॉपिक है, उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, और आपका उद्देश्य सभी प्रश्नों को उत्तर को लिखते चलना है, क्योंकि मेहनत आपको करना है, हमें बस साथ देना है। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा कि प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है कैसे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एकदम आसान प्रश्न है। प्रकाश ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे इस देश के शिक्षक साथियों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं, आप लोग इस प्रश्न को उत्तर ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना होगा, और प्योर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में 9th में, 10th में, 6, 7, 8 के पूरा पाठ्यक्रम से प्रश्न बनाए गए हैं। हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, शायद आपको दिख रहा होगा, परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, एक बार और आप लोग शेयर कर दीजिए, 1000 से संख्या ऊपर हो जाएगी। जी हाँ 9:30 बजे की ऐतिहासिक क्लास होगी, सरकारी शिक्षक बनने वाले हो जितने लोग हैं, इसके पहले हम लोगों ने विविध पढ़ा था, जीएस पढ़ा, भूगोल पढ़ा, संविधान पढ़ा, अब हम लोग 10 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में आज लाइट पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं। देखिए परिदर्शी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न का जवाब दिया है। पर कैसे? परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है, यह कैसा है? एक प्रकाशिक यंत्र है, यह कैसा है? एक प्रकाशिक यंत्र है, और इस यंत्र के द्वारा में प्रेक्षक छिपा रहकर अपने चारों ओर वातावरण को देखता रहता है। इसका उपयोग कहां कहां होता है, किसी को पता है? इसका उपयोग लिख लीजिएगा, इसका उपयोग होता है दुब्बी होता है, किसमें? यह प्रश्न पूछ सकता है, शिक्षक भर्ती प्राइमरी जूनियर की परीक्षाओं में पनडुब्बी में होता है, युद्ध पोतों में होता है, कहां पे होता है, युद्ध जो पोत होता है, इसमें लक्ष्य को देख विधियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यह प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, किसके? प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा डी का राइट आंसर होगा, और यह पूछे तो पनडुब्बी युद्ध पोत में इसका प्रयोग किया जाता है। हम आगे बढ़ने अगले प्रश्न की तरफ।
हाँ आगे बढ़ रहे हैं, यहां से कोई दिक्कत कोई समस्या? बहुत अच्छा लगा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, संख्या को बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको ये लग रहा है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य विज्ञान से प्रश्न गलत नहीं होंगे और 10 के 10 नंबर आपके हैं, तो बस इतनी मदद, अच्छी चीजें अच्छे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, परावर्तन के नियम के अनुसार इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी का उद्देश्य है लेना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलेक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि आप इतनी ईमानदारी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिएगा, 9:30 बजे डेली, कुछ भी हो जाए, शिक्षक भर्ती क्लास कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए, परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें, तो इस प्रश्न में आपात कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, बताइए? नहीं। आपतन कोण परावर्तन से कम होता है, दोनों कोण सदैव असमान रहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो सी का राइट आंसर है, सी प्रश्न का सही जवाब है। 10 में 10 का टारगेट करना है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी को पढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या? चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग, ये वीडियो फेसबुक पेज इलेनी पितृगेश पर, यूट्यूब इलेनी पितृगेश पर लाइव चल रहा है, लाभ लीजिए और उन गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जिनका एक उम्मीद है अगली शिक्षक भर्ती में एक स्थान बनाना। कर भला तो हो भला, आप सबके आशीर्वाद से मैं सरकारी शिक्षक बना, जब तो मुझे ये बात विदित हुआ कि मैंने लगातार निस्वार्थ होकर आपके साथ मेहनत किया, लगातार पढ़ाया, परीक्षा के दिनों में मैंने पढ़ाया, और आप सबकी वजह से अंतोगत्वा मुझे मेरा विद्यालय मिल गया, और मैं चाहता हूं आप सभी को आपका विद्यालय मिल जाए। प्रकाशी फाइबर, इसलिए मैं निःशुल्क सेवा के लिए आपके बीच हाजिर रहता हूं 9:30 बजे। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी इस प्रश्न का बहुत सही जवाब होगा, डी, क्योंकि जो प्रकाशी फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, ये 3 भागों से मिलकर बनता है, कोर, क्लैडिंग, कोडिंग, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये रटे रटाए प्रश्न है, अगर एक बार आपने इसे रट लिया, एक बार आपने तैयार कर लिया, तो यहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। भविष्य में गलती मत हो, यहां पे परीक्षा में गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे गलती हो जाएगी तो सुधार कर सकते हैं, परीक्षा में गलती होगी ना कोई माफ नहीं करने वाला है, और हम रोते रहते हैं जब हमारे 1-2 नंबर से नहीं होता। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करिए, क्योंकि टारगेट है हमारा अगली शिक्षक भर्ती में आपको 10 10 साइंस में, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे आज हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश से बाहर नहीं जाना है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, नरेंद्र कपाली होगा इसका उत्तर, नरेंद्र कपाली। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नालिकाएं हैं जो विशुद्ध कांच या सिलिका की बनी होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर यह काम करती हैं, और 1992 में 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपाली द्वारा इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? अगर ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा ये परीक्षा में क्या क्या है, तो ये लचीली है, ये क्या है, लचीली है, फिर कैसा है, पारदर्शी है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, आएंगे भी, पारदर्शी बेलनाकार नालिकाएं हैं, क्या है, नालिकाएं हैं,
जो विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये सिलिका का बनी होती है, जिसे विशुद्ध कांच कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, आप फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है। अभी ऊपर हमने बताया था, इसलिए अब यहां पर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अगली शिक्षक भर्ती में अपना स्थान बनाना है। 9:30 बजे की क्लास है, अलार्म लगा लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने विविध पढ़ा 30 नंबर का, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ी, फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब हम लोग साइंस 10 में 10 का टारगेट करेंगे। 10 में 9 नहीं करना है, बस आपको डेली 9:30 बजे कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है मैंने बताया, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दोबारा के लिए आप लोग इस बात का ध्यान दिया करिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रट लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। एकदम आसान प्रश्न है ये, सिलेबस में है आपके, आपके पाठ्यक्रम में, तो जवाब दीजिएगा गलत या सही, क्योंकि यहां पर गलती होगी हम सुधार कर सकते हैं। परीक्षा हाल में हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, एक गोला से अगर दो गोला हो गया तो आया प्रश्न चला जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, और आप लोग जवाब जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर देते रहिएगा। देखिए, प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, संचार सेवा के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशिक तंतु होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही तो हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। ये कांच या प्लास्टिक से निर्मित तंतु होता है। ये किससे, ये कांच से बना होता है, प्लास्टिक से होता है, ठीक है, से बनक तंतु होता है, जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हमने ऊपर बता दिया था। आजकल संचार में इनका खूब प्रयोग किया जाए, क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नल को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए लिए जाते हैं, जैसे मोबाइल के टावर, आजकल जैसे हम वाईफाई यूज करते हैं, वो संचार सेवा ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। लोग कहते हैं ना, फाइबर केबल लगवानी है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही जवाब जो होगा वो डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सभी जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग को समय आ रहा है, क्या कल से सभी लोग 9:30 बजे लाइव रहेंगे, क्या आप लोग अगले शिक्षक भर्ती में अपना एक सीट और साइंस में 10 में 10 का टारगेट रखते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा सभी लोग, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब, गलत हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा में गलती मत करिएगा, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं। जी जी, जो डेली देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम से लाइव आ जा करिए। देखिए, ये टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ इसकी निशुल्क आपको मिलेगी। अन्य सभी क्लास है, साइंस की है, जीएस की है, जीके की, टेट, सुपर टेट, सभी निशुल्क क्लास टेलीग्राम पे मिलेंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये शिक्षक भर्ती सुपर टेट की क्लास निःशुल्क आपकी प्रतिदिन संडे या मंडे डेली चलती है आपकी 9:30 बजे। देखिए, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है वो पानी से होकर कांच में जाता है। पानी से होकर कांच में जब जाता है तब इसका पूर्ण नहीं होता, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होती है जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, और विरल माध्यम अतः प्रकाश पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। जो गलत है वही सही है, पानी सोकर वायु में जाएगा तब होगा, कांच से होकर जाएगा तब भी, लेकिन जब पानी सोकर कांच में जाएगा तब नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प है वो 20 का राइट आंसर है। सबको समझ में आया, समझ में आ गया सबको? जो लोग सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो अध्यापक अध्यापिका इस देश के पावनहार हैं, जो इस देश के भविष्य निर्माता हैं, क्या आप सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़े, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में चलते हैं, खेल नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जी हाँ, YouTube पे, Facebook पेज, इलर्निंग विद दुर्गेश पे निशुल्क आप इसे लाइव देख रहे हैं,
देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो इस नंबर से आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित की जाती हैं, जो पूरी निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए समर्पित हैं, क्योंकि तो आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। ऐसे ही आप लोग साथ दिए रहिएगा, एक दिन ये संख्या 10,000 के ऊपर लाइव देखेंगे। आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा वीडियो 10,000 से ज्यादा लोग देखेंगे। देखिए छात्रों को आकाश कैसा दिखाई देता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सही जवाब, किसी का गलत नहीं हुआ है। काला सब एनसीईआरटी है, जितने लोग जानते होंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न है आपका। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वायुमंडल में धूल गैस के कणों के द्वारा सूर्य के जो प्रकाशित ये नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। हमें आकाश नीला दिखाई देता है, हमें कैसा दिखता है नीला, हमें कैसा नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें काला दिखाई, किस कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। इसलिए यहां पर आपका जो जवाब होगा वो डी होगा। समझ में आ गया आप लोग को, इस देश के भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये सब रटा रटा है प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा हूबहू यहां से थोड़ी परिवर्तन के साथ आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा कैसे प्रश्न आपके आते हैं। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। आकाश किस कारण नीला होता है, बहुत ही प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे और ये जवाब देंगे कि आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, यह प्रश्न बहुत ही यूनिक है। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। मैं चाहता हूं जैसे मैं सरकारी शिक्षक बना और आपको आज निःशुल्क मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप भी सहायक शिक्षक बनने के बाद गरीब बच्चों को पूरी ईमानदारी निष्ठा मनोयोग के साथ पढ़ाएगा, लेकिन आज अपना बेस्ट दीजिएगा ताकि अगले शिक्षक भर्ती में आपको उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका सौभाग्य मिले। उसके बाद आप इस देश के इस राष्ट्र के निर्माता में आप भूमिका अदा करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। बस मेहनत करते रहिएगा, कर हर हर मैदान फतह। ध्यान दीजिएगा आकाश किस कारण दिखाई देता है। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा यह है कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्ण हो जाता है, जिस कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों का होता है। इसमें से 7 रंग को हमारी आंखें देख सकती हैं, जिन्हें हम बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी कहते हैं। इन्हें बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऊपर मैंने बता दिया सूर्य के प्रकाश का लाल अंश बिना प्रकीर्णन के पृथ्वी तक पहुंचता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैसों में अणुओं में धूल कणों के बाद प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में बना रहता है। इसी कारण प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, वह सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि सारे सिलेक्टेड प्रश्न है जो एनसीईआरटी से निकाले गए हैं। एनसीईआरटी 9, 10, 6, 7, 8 इन दोनों को मिलाकर आपका प्रश्न बैंक तैयार किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा और एकदम ऑथेंटिक चीजें आप पढ़ रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। लेकिन प्रतिदिन आपको लाइव आना होगा, सही लोग टाइम से एकदम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित कौन सी परिघटना होती है। अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ क्लास पढ़ रहे होंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताएंगे। यहाँ पे जितने लोग लाइव हैं अगर एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, आपके माता पिता आपके परिवार के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वो भी ये जानेंगे कि हम आपके इस बेसिक शिक्षक परिवार का हिस्सा बनकर हम आपके परिवार में क्या आ रहे हैं। इसलिए अपने पापा मम्मी भैया भाभी चाचा चाची सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, यकीनन उन सबका आशीर्वाद रहा तो अगली बेसिक शिक्षक में आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। आकाश में जो नीला रंग प्रकट होता है
वो घटना होता है मिलन का, क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा कर आपकी परीक्षा में पूछता है, और गलती मत करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भावी शिक्षक, इस देश के निर्माता, इस प्रश्न का उत्तर क्या? डी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आपको लग गया होगा कि यह ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि आप इतिहास रचने के कितने करीब हैं। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है, सर बैंगनी कलर दिखाई देना चाहिए। तो मैंने बताया कि नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस के अणुओं के धूल कण में प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में बना रहता है, इसी के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? आइए सभी लोग हम इस बात को ध्यान से जानने का प्रयास करते हैं। सभी को प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि आप सभी ने हाई स्कूल तक 10वीं तक आपने साइंस जरूर पढ़ा है, और ये 9th का सवाल है, 10th में है। 9th में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या एससीईआरटी पढ़ी होगी, आपको ये प्रश्न जरूर मिला होगा। नहीं मिला है तो आज ई लर्निंग दुर्गेश पर आपको मिलेगा। देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखें, धनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई, इसलिए अगर इंद्रधनुष की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर सुबह की बात की जाए, सुबह कहाँ दिखाई देता है? वेस्ट में। सुबह कहाँ? पश्चिम में। अगर हम शाम की बात करें तो शाम में कहाँ दिखेगा? पूर्व दिशा में दिखेगा जी, ये भी ऊपर मैंने बताया विपरीत दिशा में दिखता है। इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है पता है किसी को? इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीय होता है। जब बूंदों पर आपतित किरण को दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक होता है। ना लिख लीजिएगा, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। इंद्र, सभी लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न शायद आपको परीक्षा में आ जाए, ये केवल एनसीईआरटी में मिलेगा। दो प्रकार, एक प्राथमिक होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक। ठीक है, देखिए प्राथमिक जो होता है, इसके बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं दोबारा। देखिए जो प्राथमिक होता है, जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन, यहां पे क्या होता है? दो बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है? परावर्तन। तब वहां पे प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, तब उसमें क्या बनता है? प्राथमिक बनता है, और इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर होता है, याद रखिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें लाल बाहर, इसमें ध्यान दीजिएगा, लाल बाहर होता है और बैंगनी जो होता है वो अंदर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब बूंदों पर आपतित किरण, आपतित सूर्य किरण दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो तो द्वितीयक बनता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये दो बार अपवर्तन और दो बार थियरी आपकी तैयार हो जाएगी। जब दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो तब सेकेंडरी बनती है। ठीक है, इसमें लाल रंग अंदर, इसमें अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग अंदर बनता है, और हम बैंगनी की बात करें तब बताइए बैंगनी बाहर बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात और होता है, इसका निर्माण जल की छोटी बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कारण होता है। सूर्य की सफेद किरणें जब बूंदों पर पड़ती है तो उसका प्रकाश बूंद के भीतर अवतल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या बूंद जब बाहर निकलने लगती है तो विक्षेपित हो जाती है, इस प्रकार विभेद दिखाई देती है। तो इसलिए यहां पर प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी प्रश्न का सही होगा, डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जब मैं व्याख्या करने लगा तो लोग कम होने लगे। इंद्रधनुष की रचना कैसे होती, कमेंट करके बताइए। यार आप लोग को शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाने, व्याख्या करके बता रहा हूं तो आपकी संख्या और बढ़नी चाहिए, कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरा डीप में समझा रहे हैं। देखिए अगर आर्ट के हो चाहे साइंस को, पढ़ना सबको है, क्योंकि कंपलसरी है सबके लिए। इसलिए मालिक आपसे निवेदन है, सभी लोग ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन लेना है आपको, पक्की करनी है अपनी,
तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आपको बस साथ देना है, मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, आपको बस बैठ के पढ़ना है, कॉपी कलम लिखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दो बार देखिएगा, तीन बार देखिएगा, जब तक सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रश्न के क्लियर ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए इंद्रधनुष की रचना होती है जल बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प आपका सी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इंद्रधनुष में होता है कौन सा गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कौन सा कथन गलत है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि जल इंद्रधनुष में गलत कथन का चयन करना है। सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करेंगे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि इंद्रधनुष में क्या होता है, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करें। देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है, गलत क्या है, मैंने तीन सही है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न है, गलत रहेगा वो अपने एक नंबर से हाथ धुल बैठेगा। जब तक कॉन्सेप्ट सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक साइंस चलेगा, मतलब एक हफ्ते में 15 दिन तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइंस का, पूरा जितना अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। देखिए पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश है, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव है, आकाश की ओर सबसे बाहर रंग के रूप में लाल प्रकाश है, पृथ्वी की ओर सबसे अंदर रंग के रूप में लाल प्रकाश है। ऊपर मैंने बताया, शायद आपको याद होगा, नहीं याद है, मैंने ऊपर बताया था, लाल रंग क्या कह रहा है, बाहर की तरफ है, यहाँ पे अंदर का है, जो गलत है वही सही है, मतलब इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी इस प्रश्न का होगा, क्योंकि जो गलत है वही, क्योंकि गलत कथन पूछा है, ये सही है, ये सही है, ये यहाँ पे गलत कथन पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, जो गलत है वही सही है। ठीक है, देखिए कोई बार बार कमेंट कर रहा है अलग अलग टॉपिक को लेकर, क्या नाम है उनका, नाम है उनका कब से कहाँ गया, चलिए भी आएगा फिर उनका नाम लेके बता देंगे, कि सिलेबस वेलबस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे पूरा पढ़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो दृश्य क्षेत्र में, किसमें, दृश्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको सरकारी शिक्षक बनना है और अगली शिक्षक भर्ती में आप सभी को अपना स्थान लेना है। देखिए जिनको पढ़ना है वो पढ़े, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका जैसे मैं डेली पढ़ाऊंगा, क्लास लंबी होती है, क्लास बोरिंग ना होने पाए, तो भैया जिनको समझ में आता है क्या सिलेक्शन होगा या जिससे कई हजार लोगों का सिलेक्शन हुआ है वही पढ़े, बाकी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनको ईमानदारी मेहनत से पढ़ना है। पृथ्वी दूरस्थ वस्तु देखने के दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के दूरदर्शी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए होते हैं, एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्मी प्रणाली इसमें होती है, इसलिए इस उत्तर जो होगा ये होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, खगोल की प्रदर्शक नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी लोग की प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। अच्छा गलत बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं खगोल की, देखिए आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपके बता क्या है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ध्यान दीजिएगा, ये खगोल होता है और ये होता है टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है, और ये एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप होता है, इसलिए यहाँ पर
वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर दूरस्थ अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसलिए दोनों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वरना आप परीक्षा में गलती जरूर कर जाएंगे। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ये एस्ट्रोनॉमी है, ये टेरिस्ट्रियल है, दोनों में अंतर है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसकी अंग्रेजी होती है एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप इसका नाम है टेरिस्ट्रियल, ये एनसीईआरटी है। आपने होगा भैया 9th में। अगला यहां पे है, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे फटाफट कमेंट करें। जी हां, स्पेक्ट्रोमीटर इज अ राइट आंसर है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर ये प्रकाश के परिक्षेपण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, प्रकृति में प्रकाश का परिक्षेपण का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो रेनबो है। क्या है? रेनबो। क्या है इसका सबसे बड़ा उदाहरण? रेनबो है। प्रकाश के प्रक्षेपण कारण क्या बनता है? रेनबो बनता है। रेनबो माने इंद्रधनुष। प्रकाश के प्रक्षेपण के फलस्वरूप रंग में स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने सी बताया है, बहुत अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। तरल ताल का मतलब तालाब। जो तालाब होता है आपने देखा होगा, वास्तविक गहराई से प्राय कम दिखाई देता है, क्यों? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सभी लोग। ये 10 नंबर की साइंस की पाठ्यक्रम है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे एकदम सिलेबस के आधार पर है, क्योंकि इसका उद्देश्य है आपको हर हाल में सरकारी शिक्षक बनाना। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। नहीं, गलत हो जाएगा तो परीक्षा में एक बार गलत होगा, बार बार नहीं, इसलिए यहां गलती कर लीजिए। सभी लोग जवाब दिया करें, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, जी हाँ, अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, अपवर्तन के कारण। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरल, जो तरण ताल या तालाब होता है, अपनी वास्तविक गहराई से कम दिखता है। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम माने जल से वायु की ओर जाने पर अपवर्तन दूर हट जाती है, इसलिए वो कम गहरी प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ रहा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए और बताइए। देखिए, इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अपवर्तन होगा। ये आपको निकालना होगा आभासी गहराई। आभासी, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तन। अपवर्तनांक होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। पानी टंकी ऊपर से देखने पर कम प्रकाश का अपवर्तन, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प बजट की सही व्याख्या करता है? ताप बजट की सही व्याख्या कौन करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिए, नहीं बताएंगे बताइए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या है? यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन। इसका मतलब, इस प्रश्न का उत्तर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल, यहां पे ताप बजट, ताप बजट की बात करें तो ताप बजट का जो संबंध है पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है। पृथ्वी पर जो आप और निर्गित विकिरण के संतुलन को ताप बजट कहते हैं।
ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लहर छा जाती है, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी इस प्रश्न का कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, टेट सी टेट सुपर टेट KVS DSSB अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। मेरे द्वारा एक क्लास राष्ट्रीय देशित में निःशुल्क दी जाती है, जिसकी टाइमिंग आपको प्रतिदिन 9:30 बजे है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, इसकी PDF नोट्स मिलता रहेगा। उसके लिए आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिना स्पेस दिए दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छाने का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो प्रकाश की तरंगें जितनी कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश किरणें अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिससे सूर्य का श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्ध्य वाली बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होकर बिखर जाती है, लेकिन लाल रंग के जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अधिक हो इसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, इसकी PDF 24 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हुए हैं, चाहे जौनपुर से हैं या प्रदेश की किसी भी जगह से हैं, वे सभी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर देंगे। इस वीडियो को हो सके एक बार देखें, और कल कितने लोग हैं जो टाइम से लाइव आ जाएंगे 9:30 बजे, अन्य क्लासेज हैं जिसमें मैथ चलती है, EBS चलता है, पेडागोजी की क्लास है, वे सभी क्लासेज टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेंगी, निशुल्क। आप लोग जुड़ जाइएगा, फेसबुक इंस्टा ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। हमारी भी आईडी इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर से जुड़े हैं आप, और हमारा फेसबुक पेज है दुर्गेश अशोक जायसवाल, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी जुड़े रहेंगे, जहां पर आप सभी को सभी चीजें निःशुल्क मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अगली शिक्षक भर्ती में आपका स्थान फिक्स होगा, क्योंकि आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, और अगली माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इस सपनों के विद्यालय, भारत के सपनों का विद्यालय बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आज का निर्णय आपके 5 साल आपके भविष्य का निर्माता होगा, या 5 महीना आपके जीवन की बड़ी ऐतिहासिक है। इसके बाद एक तरफ आपकी नौकरी होगी, दूसरी तरफ आपका जीवन। अगर आपने जरा सा लापरवाही किया तो सोचिए उसका परिणाम इसके विपरीत हो सकता है। इसलिए आगामी यह 5 महीना जो है, या परीक्षा जो आपकी चंद दिनों के बाद है, वह आपके जीवन का एक निर्णायक हिस्सा है। इसलिए आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लोग पहले बचपन में HW की बात करते थे, होमवर्क की बात करते थे, अब बड़े हो गए ये पलट गया, अब ये WH हो गया, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। अगर इन दोनों का जवाब आपको मिल जाएगा, इसका मतलब आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच रहे हैं। सभी क्लासेज एक एक करके चलती रहेंगी, बस अपना बेस्ट देते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, और अपने स्टेटस पर जगह दीजिएगा, अपने माता पिता के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपके माता पिता को देखिएगा इस वीडियो का क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग लाइव आ जाइएगा 9:30 बजे, सुबह 7 बजे, बाकी पूरा दिन क्लास चलती है, टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, सभी का आपको मिलता रहेगा। 10 नंबर की विज्ञान में आपको 10 में 10 पूरे करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन अपॉइंटिंग होगा, और आपको सिलेक्शन नहीं लेना है बल्कि अपने घर के नजदीक अपने गृह जनपद में रहना है, तो एक बड़ा स्कोर करिएगा। चलते हैं, अदर स्टेट के लिए भी हमारे उत्तर सरकार उनका कोटा हुआ है, ठीक है। साइंस की क्लास रेगुलर तब तक रहेगी जब तक पूरा संपूर्ण साइंस खत्म न हो जाए, तो आपका साथ सराहनीय होगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, साथी मित्रों को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते रहिएगा। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कल एकदम टाइम से रहिएगा, 9:30 क्लास, 8 बजे क्लास, 7 बजे क्लास, 6 बजे क्लास, ये सभी क्लासेस अटेंड करिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको अंततः एक सरकारी शिक्षक बनना है। आने वाला हर एक दिन आपके भविष्य का एक नायक दिन होगा, क्योंकि अगर आप आज लापरवाही करते हैं तो जिंदगी कहीं आपसे लापरवाही ना कर जाए। इसलिए रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े। बाय बाय, जय हिंद।